की पुकार। भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफा देने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक साथ मनाई होली व दिवाली। दिल्ली के शराब घोटाले में फंसकर सीबीआई के शिकंजे में आई दिल्ली की केजरीवाल सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मनी लॉन्ड्रिंग केस में 9 महीने से जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन ने मंगलवार 28 फरवरी को अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। मनीष सिसोदिया से इस समय सीबीआई आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है, वहीं सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जेल में है। दिल्ली में भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल सरकार के 2 मंत्रियों मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के अपने पद से इस्तीफा देने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने होली और दिवाली एक साथ मनाते हुए जमकर पटाखे फोड़े और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाए व मिठाइयां भी बांटी। इस अवसर पर जनमत की पुकार के भाजपा जिला केशवपुरम के महामंत्री मंजीत सिंह, त्रिनगर वार्ड के निगम पार्षद मीनू गोयल, मंडप अध्यक्ष मुकेश गांधी से खास बातचीत की गई। देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। आरके जायसवाल के साथ मैं भी मौजूद हूं त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के त्रिनगर भाजपा के मंडल में, जहां पर भाजपा के कार्यकर्ता एक दूसरे को लड्डू खिला रहे हैं, गुलाल लगा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने अभी अभी इस्तीफा दिया है, इस्तीफा मंजूर हो गया है इनका। कितने खुश है आप लोग, एक बहुत खुश नजर आ रहे हैं आज आप लोग। निश्चित तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, दिल्ली की जनता की जीत है। आज न्याय हुआ है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में बोला कि मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार का गंभीर मामला बनता है और उनको कतई छूट नहीं मिलनी चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट का कहना अपने आप में दर्शाता है कि दिल्ली की सरकार ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में शराब घोटाला किया था। अरविंद केजरीवाल के 2 मंत्री जेल के अंदर हैं और 2 भ्रष्टाचारी जेल के अंदर और अरविंद केजरीवाल बाहर है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने प्रण किया है जब तक केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते, क्योंकि उन्होंने पूरा शराब घोटाले का माल हड़प लिया है, खा लिया है और उसके मंत्री जेल में है। जब तक केजरीवाल का इस्तीफा नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संघर्ष जारी रखेंगे। सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और आज ये बहुत खुशी की बात है कि दिल्ली भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होली और दिवाली एक साथ मना रहे हैं। हम एक दूसरे को गुलाल भी लगा रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई भी खिला रहे हैं और साथ में बम भी फूटे जा रहे हैं और अनार भी फूट रहे हैं। और दिल्ली की जनता का ऐसा सुनहरा दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है जिसमें होली और दिवाली आज एक साथ मनाने का हमें मौका मिला है। हम सुप्रीम कोर्ट का भी थैंक यू धन्यवाद करते हैं। मगर आम आदमी पार्टी के नेता तो कहते हैं कि हम भगत सिंह की औलाद हैं, हम जेल जाने से नहीं डरते। ये नैतिकता का लबादा ओढ़कर इन्होंने राजनीति शुरू की थी और जो इनके जो कहते हैं नैतिकता का पाठ जहां से ये पढ़ के आए थे अन्ना हजारे, उन्होंने भी पत्र लिखकर ये कहा कि ये जो शराब नीति है दिल्ली सरकार की, ये शराब का भ्रष्टाचार का जबरदस्त घोटाला है। और अन्ना ने कहा था कि पूरी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए और शराब नीति को वापस लेना चाहिए। उस समय केजरीवाल ने अपने राजनीतिक गुरु और जहां से उन्होंने विचार से राजनीति शुरू की थी, अन्ना की बात को भी नकारते हुए लगातार ड्रामे रचने का काम किया। कभी राजघाट पर जाकर का मौन व्रत धारण किया, कभी अपने आप को शहीद भगत सिंह की औलाद तक बताया, लेकिन ये शहीद भगत सिंह के चेले नहीं हैं। ये अगर चेले तो चाल सोवराज के हैं, महाठग केस चंद्रशेखर के चेले हैं और कहीं ना कहीं अली बाबा 40 चोर की पूरी टीम आम आदमी पार्टी की है, ऐसा इनके कार्य दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, एक महिला निगम पार्षद है, शराब नीति को लेकर जेल में गए, अब इस्तीफा भी हुआ, कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा देखते हैं, क्योंकि हम भी जानते हैं कि एक स्कीम चल रहा था उस समय। आप ये देखिए ना कि महिलाएं कितनी परेशान हुई थी, आज उनको उनकी करनी का जो है वो फल मिल गया, अधर्म पर धर्म की विजय हो गई और दोनों जो को तो इस्तीफा देना पड़ा। और आज दिल्ली की सारी महिलाएं जो है घी के दिए जला रही होंगी, बहुत खुशी है इस बात की। भैया ने ठीक कहा कि होली और दिवाली इकट्ठे मनाएंगे तो घी के दिए तो महिलाएं जलाएंगी जिन्होंने उनके घरों में बोतलें पहुँचाई, ऐसे लोगों को आज इस्तीफा देना पड़ा और अधर्म के ऊपर धर्म की विजय हुई।
भाजपा के कार्यकर्ताओं में काफी जोश और उत्साह है और मंडल अध्यक्ष जी? भाजपा के कार्यकर्ताओं में तो उत्साह ही है, लेकिन दिल्ली की जनता के अंदर भी बहुत उत्साह है। आज इस निर्णय को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को देखते हुए, किस प्रकार से जिसने आबकारी नीति को खिलाफ आज सिसोदिया को जेल जाना पड़ा और इस्तीफा देना पड़ा, सिंदर जैन को आज इस्तीफा देना पड़ा, इसकी रणनीति जो एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देता था, आज एक इस्तीफे के साथ एक इस्तीफा फ्री दे रहा है, ऐसा इसकी सोच, ऐसी इसकी मानसिकता, दिल्ली की जनता को लूट लूट के खाने वाला भ्रष्ट। अब आगे आगे देखना होता है क्या, किस प्रकार से इन्होंने दिल्ली की भ्रष्ट जनता को लूटा है, घसूटा है, आज उस प्रकार से दिल्ली की जनता दिवाली और होली मनाने पे उत्सुक है। तो देख रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता किस तरीके से खुशियां मना रहे हैं, होली और दिवाली, पटाखे छोड़ रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ, नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ, नमस्कार।